नमस्कार, हिमाचल अभी अभी .com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। बात करेंगे प्रदेश की बड़ी खबरों पर, लेकिन सबसे पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्री से बोले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, वन स्वीकृतियां ना मिलने से लटके हिमाचल के विकास कार्य। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला की तबीयत बिगड़ी, नोएडा के अस्पताल में चल रहा उपचार। फार्मा पार्क को पंजाब से मिलेगी बिजली, बीबीएमबी से लिया जाएगा पानी, 15 दिन में डीपीआर तैयार करने के निर्देश। दिशा की बैठक में बोले अनुराग ठाकुर, अधिकारियों को दिया आदेश का 3 महीने में चाहिए निष्कर्ष। फतेहपुर की सुनेट खड्ड में युवक की लाश मिलने से सनसनी, परिजनों ने सांसी समुदाय पर जड़े आरोप। अब खबरें विस्तार से। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय वन मंत्री के साथ हिमाचल प्रदेश की अलग अलग वन परियोजनाओं एवं लंबित स्वीकृतियों के विषय में विस्तृत चर्चा की। सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि प्रदेश में हेलीपोर्ट निर्माण, राज्य को साल 2025 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने की दिशा में आवश्यक ग्रीन कॉरिडोर के निर्माण और विद्यालयों के भवन निर्माण सहित सरकार की प्रमुख योजनाओं के लिए आवश्यक वन स्वीकृतियों में तेजी लाने का आग्रह किया है। सीएम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत राज्य में हेलीपोर्ट निर्माण किए जाने हैं। इससे जहां राज्य में पर्यटकों को आवागमन में सुविधा होगी, वहीं स्थानीय निवासियों को आपातकालीन स्थिति में शीघ्र सहायता उपलब्ध करवाई जा सकेगी। हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान उनकी तबीयत खराब होने की जानकारी मिली है। राज्यपाल की पीठ में दर्द बताई जा रही थी। नोएडा के सेक्टर 27 के कैलाश अस्पताल में राज्यपाल का इलाज चल रहा है। आगामी कार्यक्रम अभी होल्ड कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल पद संभालने के बाद शिव प्रताप शुक्ला का ये पहला दिल्ली दौरा है। शनिवार को शुक्ला ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की थी और हिमाचली टोपी भेंट की थी। रविवार को पीएम मोदी और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक टोपी और चंबा रुमाल भेंट किए थे। ऊना जिला में बनने वाले बल्क ड्रग पार्क के लिए 120 मेगावाट बिजली की मांग पंजाब से पूरी की जाएगी। इसके काम में तेजी लाने के लिए आज उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में बैठक हुई। उद्योग मंत्री ने संबंधित सभी अधिकारियों को बिजली, पानी, सड़क से जुड़ी सभी चीजों के लिए 15 दिन में DPR तैयार करने के निर्देश जारी किए हैं, जिसके आधार पर सरकारी विभागों को केंद्र सरकार द्वारा जारी 225 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए विभाग में अधिकारियों को बल्क ड्रग फार्मा पार्क का रोड मैप तैयार करने को कहा गया है। निवेशकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस पार्क को हाईवे से जोड़ा जाएगा। सरकार ने इस पार्क का निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य 3 साल तय किया है। जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस साल का यह अंतिम फाइनेंशियल महीना है और सभी काम इस महीने में हो सके, भविष्य में कामों में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। अनुराग ने कहा कि मैंने जो भी अधिकारियों को आदेश दिए हैं उनके निष्कर्ष मुझे 3 महीने में मिल जाएंगे। G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है, ये पीएम मोदी की ही देन है। उन्होंने कहा कि G20 के लिए भारत आने वाले बाहरी देशों के प्रतिनिधियों को भी भारत के महत्व का पता चलेगा। इसके साथ ही उनको अब ये भी एहसास होगा कि अब भारत बहुत कुछ दुनिया को दे सकता है। यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, शेष खबरें ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। पुलिस थाना फतेहपुर के अंतर्गत सुनेट पंचायत के साथ लगती सुनेट खड्ड में सोमवार सुबह एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। पंचायत प्रधान अंकुश कुमार ने बताया कि उन्हें सुबह करीब 7:30 बजे फोन के माध्यम से ये जानकारी मिली कि सुनेट खड्ड में एक युवक का शव पड़ा है, जिस पर तुरंत फतेहपुर पुलिस को सूचना दी गई। उन्होंने बताया कि मृतक युवक प्रदीप कुमार पुत्र राजेंद्र सिंह समीप के ही गांव सुनेट का रहने वाला था, जो कि एक गरीब परिवार से संबंध रखता है। उन्होंने सरकार से परिवार को आर्थिक मदद देने की भी अपील की है। मृतक के दादा और अन्य परिजनों ने समीप ही रह रहे सासी समुदाय के लोगों को युवक की मौत का जिम्मेदार ठहराया है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।